बुध प्रदोष कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के दो दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वो पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वो पत्नी के साथ लौटने गया तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वो नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया और वो निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई, सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वो कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वो पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर दिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।